हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी का जो यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आई है कि आप सभी की जो क्लासेस हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होंगे। आप सभी की जो क्लासेस हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होंगी। इसका हम रीज़न बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय ख़राब करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की जो काउंसलिंग है वो बहुत लेट हो रही है और अभी आपकी चल रही है काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड आपका चल रहा है और आपका फर्स्ट राउंड का आपका तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड राउंड आपका चल रहा है तो बहुत लेट हो गया है। तो अब आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब सितम्बर तो चल ही रहा है, सितम्बर पूरा आपका काउंसलिंग निकल जाएगा। तो आप सभी की क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट होंगी। ये हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है इसमें लिखा है अब 5 दिसंबर से शुरू होगा पॉलिटेक्निक का नया सत्र। मतलब आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आज कितना है आपका, आज तारीख है 12 सितंबर, अब कब से स्टार्ट होगा, 5 दिसंबर। कितना टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने हैं आपके पास। तो 3 महीने बाद आपका ये सेशन चालू होगा, मतलब पूरा पलट जाएगा आपका, जो भी शेड्यूल है सब हो जाएगा। जब ये बताइए कि अगर आपकी जो क्लासेस हैं वो दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ दिसंबर में आपके पेपर हो जाते थे, जनवरी में आपके पेपर होते थे, जब आपकी क्लासेस ही दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं तो पेपर तो आपके मार्च अप्रैल में होंगे, तो इसलिए काफ़ी लेट हो रहा है। तो BTUP बहुत बड़ा धोखा कर रही है, इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रही है कि आप सभी का बहुत लेट लेट हो रहा है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग भी काफ़ी लेट हो चुकी है। तो इसी चक्कर में आपकी जो शेड्यूल है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वो भी काफ़ी लेट हो चुकी हैं। तो हम इसको पढ़ के दिखा रहे हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के पहले चरण का शनिवार को समापन हो गया। मतलब आपका जो अभी सैटरडे निकला है, परसों जो सैटरडे निकला है उसमें आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। काउंसलिंग में देरी का असर तकनीकी शिक्षा पर ना पड़े, इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने का आदेश दिया है। मतलब 30 नवंबर तक आपकी जो भी है वो आपका समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही 5 दिसंबर से नया सत्र शुरू होगा। अब इसमें साफ साफ बोल दिया है कि 5 दिसंबर से, मतलब 5 दिसंबर से आपका सब स्टार्ट हो गया, नया सेशन होगा आपका 5 दिसंबर से। तो अगले साल में पहली बार सभी ट्रेडों की ऑनलाइन परीक्षा कराई गई और 18 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। आप सबकी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था वो ऑनलाइन हुआ था और 18 जुलाई को आप सभी का रिजल्ट आ गया था। यही इसमें लिख रहा है, बावजूद इसके पॉलिटेक्निक यह काउंसलिंग 7 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है आप सभी की काउंसलिंग 7 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। तो काउंसलिंग के आधार पर राजधानी समेत प्रवेश के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही निजी संस्थानों में प्रवेश होता है। कम रैंक वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटन का मौका मिलता है। काउंसलिंग के आधार पर प्रदेश के 1127 निजी, जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं वो 1127, और जो है 154 गवर्नमेंट और 19 सहायता प्राप्त और 5 विभागों में संचालित होने वाले संस्थानों में प्रवेश होता है। ये सब आपकी हैं, इसमें प्रवेश होता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, आपका जो काउंसलिंग का वो है वो चल रहा है। तो प्राविधिक शिक्षा परिषद में पढ़ाई को लेकर मंथन में जुटा है। अब 1 नवंबर से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी के बीच अब एक महीने की बढ़ोतरी करके, इसका वही मतलब है, बस आपका 5 दिसंबर से सब स्टार्ट होगा। और ये आपकी बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है बहुत बड़ी, क्योंकि हम आपके मार्च में पेपर होंगे,
जब आपका आपका सेशन है जो दिसंबर में स्टार्ट होगा, तो मार्च अप्रैल में आपके पेपर होंगे, तो आपको लेट पर लेट होता जाएगा। तो आपके लिए इसी बहुत बड़ी न्यूज़ है। और काउंसलिंग इस बार आपकी 8 राउंड में होगी। कितने राउंड में होगी? 8 राउंड में आपकी इस बार काउंसलिंग होगी, इसलिए आपका और लेट हो रहा है। 8 राउंड तक चलेगा तो टीचर्स भी कहाँ तक पढ़ाएंगे? 8 राउंड होंगे तो बच्चे आते रहेंगे तो कहाँ तक पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए 5 दिसंबर से आपकी सेशन चालू हो जाएगा और मार्च अप्रैल में आपके पेपर होंगे। तो आज की इन्फॉर्मेशन में, आज की वीडियो में इतना ही। हमारा यही पर्पस था आपको बताना कि आपकी जो सेशन है, पढ़ाई स्टार्ट होगी, वो 5 दिसंबर से होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। Thanks for watching this video.